ओम सर्व मंगलम इति शुभम। श्री सिद्धि चैनल आपका स्वागत करता है। आज का विषय है पार्थिव पूजन। पार्थिव शब्द में तीन शब्द सम्मिलित है, पाथ अर्थात हाथों से पाथा गया, अर्थ अर्थात भूमि या मिट्टी, इव शिव तत्व की ओर संकेत करता है। इस प्रकार हाथों से मिट्टी पाथ कर बनाया गया शिव विग्रह पार्थिव शिवलिंग कहलाता है। सावन मास में सोमवार और पार्थिव शिवलिंग का महत्व कौन नहीं जानता। शिवलिंग अनेक प्रकार के होते हैं, पत्थर, लकड़ी, मिट्टी, धातु, रत्न, पारद आदि, और सभी प्रकार के शिवलिंग के पूजन का अपना अलग अलग महत्व होता है। सावन मास में पार्थिव शिवलिंग के पूजन का कोटि गुना फल बताया गया है। पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए सप्त मृतिका अर्थात सात स्थानों की मिट्टी आवश्यक है। वे सात स्थान हैं: मंदिर परिसर की, शाला परिसर की, जलाशय के पास की, बट के नीचे की, पीपल के नीचे की, तुलसी के नीचे एवं बेलपत्र के नीचे की मिट्टी। यदि इनमें से कोई मिट्टी प्राप्त ना हो सके तो किसी भी तीर्थ स्थान की मिट्टी मिलाने से उसकी पूर्ति हो जाती है। इस प्रकार सप्त मृतिका में ब्राह्मण को सफेद छुई मिट्टी, क्षत्रिय को लाल गेरू मिट्टी, वैश्य को पीली मिट्टी तथा शूद्र को काली मिट्टी मिलाने का विधान बताया गया है। इन सभी प्रकार की मिट्टी को एकत्र कर गंगा जल या नर्मदा जल से उसे मिला लेना चाहिए। इसमें सुगंधि अर्थात इत्र भी मिला सकते हैं। अब मिट्टी को मिला लेने के बाद उत्तर मुखी होकर शिव मंत्र जपते हुए शिवलिंग का निर्माण करें। बताए गए शिवलिंग में साबुत चावल से त्रिपुंड का निर्माण करें एवं चना दाल से मुख, जवा से आँखें बनाएं, सिर पर काली तिल से भालों की भावना करें। इस प्रकार निर्मित किए गए शिवलिंग का शुद्ध घी से लेपन कर उन्हें स्नान कराएं। स्नान के जल में दुग्ध, तीर्थ जल, शर्करा, इच्छुरस, भांग आदि मिलाना चाहिए। स्नान के पश्चात भस्म स्नान कराएं। शिव जी के पूजन हेतु स्वयं भस्म तैयार करें। पंच समिधा, पीपल, बट, समी, अमलतास एवं आम, इनकी समिधा शुद्ध घी से सिक्त करके शिव मंत्र या राम मंत्र से स्वाहा करें। जली हुई समिधा की राख को छानकर भस्म तैयार कर लें और इसी भस्म से शिवलिंग का अभिषेक करें। शिव जी के पूजन में चंपा एवं केवड़ा के पुष्पों का निषेध है। इसके अतिरिक्त सभी प्रकार के पुष्प एवं पत्र चढ़ाने चाहिए। शिव जी के पूजन में बेलपत्र, अशोक पत्र, दूर्वा, आक, आम्रपत्र, समी, पीपल और बट के पत्र भी चढ़ाने का विशेष फल होता है। आरोग्यता प्राप्ति के लिए धतूरा चढ़ाना चाहिए, पुत्र कामना के लिए आक के पुष्प, ऐश्वर्य के लिए मधु, आयु के लिए शुद्ध घी एवं धन लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए साबुत चावल चढ़ाना चाहिए। स्वर्ण प्राप्ति के लिए चने की दाल, पितृ दोष निवारण के लिए जवा, मोक्ष और भक्ति के लिए तिल, संपन्नता के लिए इच्छुरस, आनंद प्राप्ति के लिए सुगंधित पुष्प, सिद्धि के लिए चंदन व अष्टगंध, अभीष्ट कामना की प्राप्ति के लिए फल, पवित्रता के लिए गौमूत्र चढ़ाने का विधान है। मूंग चढ़ाने से अन्न धन की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार शिव जी को उड़द चढ़ाने से वंश वृद्धि होती है। शिव पूजन में कपूर का प्रयोग सर्वाधिक आवश्यक है। कपूर को स्नान के जल में, हवन में एवं शिव जी की आरती में दीपक के रूप में प्रयोग करना चाहिए। पार्थिव पूजन में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है विसर्जन। पूजन समाप्ति से पहले विसर्जन आवश्यक है, परंतु उससे भी पहले पार्थिव शिवलिंग से उस दिव्य शक्ति को नारियल में उतार लेना चाहिए, वरना विसर्जन के साथ पूजन का पुण्य फल भी विसर्जित हो जाता है। इसलिए पूजन के पुण्य फल को ग्रहण करने के लिए पार्थिव शिवलिंग से पुण्यमयी दिव्य शक्ति को नारियल में उतार लेना चाहिए। विसर्जन से पहले नारियल लेकर विग्रह के पास रखें और शिव जी से प्रार्थना करें, हे दिव्य शक्ति परमेश्वर, आप पार्थिव विग्रह से इस नारियल में स्थापित हों, और कुछ समय के पश्चात उस नारियल को ससम्मान पूजा स्थान में विराजित कर दें। तब पार्थिव लिंग को विसर्जित करें। इसके बाद उस नारियल में से उस दिव्य शक्ति को घर के स्थायी शिवलिंग पर पुनः स्थापित कर दें कि हे दिव्य शक्ति परमेश्वर, आप इस नारियल में से शिव विग्रह में स्थापित हो जाएं, और फिर उस नारियल को जल में प्रवाहित कर दें या फोड़कर उसका प्रसाद वितरण कर स्वयं भी ग्रहण करें। इस विधि से पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर पूजन के पुण्य फल को शिव विग्रह में संचित करें। जय श्री राम।